नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं फिंगरप्रिंट जो है ना, इसके बारे में। फिंगरप्रिंट में ऐसा राज छुपा है जो आप जानते ही नहीं होंगे। इसी बारे में आज पूरा डिटेल बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो आप इस पूरा वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक ऐप डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे प्ले स्टोर में। जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आ जाएंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि देखिए इंस्टॉल हो चुका है। इस पर ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस तरह खुला है। देन सबसे पहले हम यहाँ से इसको अलाउ करेंगे, देन नीचे आएंगे। देखिए सिंगल टैप करेंगे तो क्या होगा, डबल टैप क्या, डबल पे क्या होगा, फर्स्ट पे क्या होगा, तो वही सब बताने वाले हैं। सिंगल पे चलते हैं। सबसे पहले अगर सिंगल पे आप रखना चाहते हैं, एक बार मतलब टच करने पे बैक हो जाए, चाहे होम पे चले जाएं, रिसेंट है, स्क्रॉल है, अप है, स्क्रॉल डाउन है, इसी तरह बहुत सेटिंग है। जैसे कि आप गाना सुन रहे हैं, एक बार दाबेंगे तो, या आगे भी सेट कर सकते हैं या पीछे। एक बार दाबने पर आगे भी जा सकता है, पीछे भी। ये भी है, देखिए नेक्स्ट सॉन्ग है, प्रीवियस सॉन्ग है। अगर आप टॉर्च का यूज करना चाहते हैं, मतलब एक बार दाबने पर टॉर्च चालू हो जाए, तो टॉर्च पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मैं देखिए यहाँ पर है, इस पे क्लिक करेंगे, बैक आएंगे, डबल पे भी वही टॉर्च ही सेट करना पड़ेगा। देखिए टॉर्च पे सेट है हमारा, फिर से इस फर्स्ट वाले पे भी वही कर देंगे, टॉर्च ही टॉर्च पे कर देंगे, बैक आएंगे। देखिए यहाँ पर अलाउ ओनली रजिस्टर फिंगरप्रिंट, इस पर इस तरह रहता है, तो आपको सही का निशान लगा देंगे। देखिए यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। चलिए हम फिंगरप्रिंट टच करके दिखाते हैं सही काम वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसा कि देखिए पीछे, जैसे हम इसको टच करेंगे, देखिए जल गया। फिर इसको टच करेंगे, बुझ गया। फिर से, फिर देख लिए। इसी तरह कोई भी वर्क करेगा, जैसा कि ये आगे एक स्टेप आगे करना है, एक स्टेप बैक। जैसा कि फिर से जल गया तो इसको ऑफ कर देंगे, ये ऑफ हो गया। इसी तरह अपने मोबाइल में कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।